हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 13 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी और नीट विद 12th। In this video, I will discuss about IUPAC nomenclature of anionic complexes। बहुत ही important video है। इसके पहले वाले part में मैंने आपको cationic complex का IUPAC name सिखाया था और आज आप सीख रहे हैं anionic complexes। थोड़ा सा कुछ अलग है, trick rule बताऊंगा बहुत ही simple और short में, और इन तीन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कितना भी कठिन एग्जाम्पल जी मेंस में आए, एडवांस में आए, नीट में आए या किसी अदर एग्जाम में आए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होना चाहिए, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए, वो सारी समस्या आपकी इनसे सॉल्व हो जाएगी। तो बस सबसे पहले आप इस रूल को समझ लीजिए, फिर इनको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ट्रिक रूल क्या है इसका, सिंपल मैं आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दूं। सबसे पहले कि जो ये कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, जो लार्ज ब्रैकेट है या इसको आप कह सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट, इसके पहले जो भी कुछ लिखा हो वो पॉजिटिव काउंटर आयन होता है। नोट करते जाइए इस चीज को, क्या होगा, पॉजिटिव काउंटर आयन। और कॉम्प्लेक्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, पहले नंबर पर सेंट्रल मेटल और उसके अलावा जो भी कुछ लिखा हो वो सब लिगेंड होते हैं। ये बस तीन से अलावा चौथी चीज एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नहीं होती है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स पहचानने का सिंपल ये तरीका, चाहे इससे समझ लो, अगर इससे समझोगे तो देखिए इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसलिए ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। नीचे वाले चार्ट में देखिए आप, ये पॉजिटिव काउंटर जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई एटम भी हो सकता है, जैसे मेटल का एटम है, यहाँ पर कोई आयन भी हो सकता है जैसे अमोनियम आयन है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें मेटल ही जरूरी होती है, कोई पॉजिटिव काउंटर आयन भी हो सकता है। ओके, ये बात आपको समझ लेना, इसलिए मैंने दो डिफरेंट एग्जाम्पल आपको दिए कि मेटल ही नहीं समझें आप, मेटल भी हो सकती है, पॉजिटिव काउंटर आयन भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स सेकेंड नंबर पर होता है, फर्स्ट पर पॉजिटिव काउंटर आयन होता है। अगर ये काउंटर आयन नहीं है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा ये, लेकिन नेगेटिव लगाया तो नेगेटिव आयन है ये, तो कॉम्प्लेक्स एनायन बोलेंगे। और सेम कंडीशन ये है, सेकेंड नंबर पर कॉम्प्लेक्स है जिसे कोऑर्डिनेशन स्पीयर भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं, जो सेकेंड नंबर पर है, इसलिए इसका नाम आ गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बस इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, फिर आपको नाम लिखना सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा, ये देख लीजिए, ये है आपका सबसे पहले पॉजिटिव काउंटर आयन जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव काउंटर आयन। ये सिंपल मेटल भी हो सकती है और ये पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है इसका। इसका आपको नाम लिखना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर अब दो चीजें आती हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, एक तो सेंट्रल मेटल है और दूसरा लिगेंड है। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं किसका नाम, नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फा बेट, ये मैं बेट को बेटिकल बोल रहा हूं, शॉर्ट में लिख दिया अल्फा बेटिकल ऑर्डर,
शॉर्ट फॉर्म में अल्फा बीटा ऑर्डर लिख दिया, इसका मतलब अल्फा बीटा नहीं है बल्कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये आपको लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज़ लिखेंगे वो होगा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। ये तीन चीज़ें हैं बस, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। पॉजिटिव काउंटर आयन का नाम लिखिए, नेम ऑफ लिगेंड लिखिए, एक से ज़्यादा हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, उसके बाद में नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आपको लिखना है। ये है इसका सिंपल सा ट्रिक। अब देखिए ये कुछ इसमें विशेष बात है जो पॉजिटिव सॉरी जो मैंने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में बताई थी सॉरी अगेन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो चीज मैंने बताई थी आपको उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखिए जरा, पॉजिटिव काउंटर आयन इसके अंदर आ गया जो उसमें नहीं था। इस पॉजिटिव काउंटर आयन में ये नंबर आप जो देख रहे हैं K3, तो 3 का ये नंबर नहीं लिखा जाता है, इसमें K को ही लिखा जाएगा। और इस मेटल को जो नेम होता है पेरियोडिक टेबल में, जैसे K को पोटेशियम, Na को सोडियम, Pb को लेड, जो भी नाम पीरियोडिक टेबल में आप याद करते हैं वो ही नाम इसका लिखा जाता है और ये नंबर इसका नहीं लिखा जाता है। एक तो ये बात, ये पॉजिटिव काउंटर आयन की बात हुई। नेम ऑफ लिगेंड में आपको मैंने लिगेंड की लिस्ट बताई है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का लिगेंड है, तो उसका चार्ज हमें मालूम होना चाहिए। बार बार इसी बात को कहेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे, उसके चार्ज के अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। लास्ट में नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, इसमें बड़ा चेंज किया गया है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में पिछले वाले वीडियो में मैंने सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन यहां पर सेंट्रल मेटल के नाम में चेंज होगा। इसका जो भी लैटिन वर्ड है उसके नाम के एंड में एट लग जाता है, यानी सफिक्स एट इसमें यूज होगा नाम के एंड में। कौन से नाम में? जो लैटिन वर्ड होते हैं, सबके नहीं होते हैं, जिनके भी होते हैं उनके नाम में एट लगेगा। तो देखिए यहां पर लिख देता हूं एड सफिक्स एट, नाम में क्या जोड़ देंगे आप लास्ट में? एट जोड़ देंगे सेंट्रल मेटल में। और लास्ट में अब जो बचा है, जहां भी मेटल लिखी जाती है वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, तो लास्ट में आ जाएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो आपको निकालना कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा। ये देखिए चार चीजें हुई, इस तरीके से आपको ये नाम लिखना है। अब आप इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखूंगा ये काउंटर आयन है, पॉजिटिव काउंटर आयन, तो इसको लिखेंगे पोटेशियम नंबर नहीं लिखा मैंने, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा, केवल क्या लिखेंगे पोटेशियम। नाम कहां से आया? पेरियोडिक टेबल में जो नाम होता वही नाम लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद में अब आता लिगेंड, इसमें दो लिगेंड हैं। ये वाला जो लिगेंड आप देख रहे हैं NO, ये न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो लिख रहा हूं इसको। और CN जो है निगेटिव लिगेंड है, जिस पर चार्ज होता है -1। तो अब इसमें अल्फाबेटिकली कौन, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल और इसे बोलते हैं साइनाइडो। कौन पहले आएगा? ये पहले आएगा। तो 6 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो इस 6 नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, और इसको बोला जाता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। अब आता है सेंट्रल मेटल, तो कोबाल्ट जो नाम है, ये जो नाम है कोबाल्ट, यही नाम यूज होगा लैटिन में भी, चाहे इसको बोला जाए या सिंपल वे में, ये वो ही नाम है, ये लैटिन नाम ही है। इसके नाम के एंड में एट लग जाएगा बस, तो इसको क्या बोलेंगे? यहां नीचे दे रहा हूं कोबाल्टेट। ये देखिए नाम के एंड में क्या लगा दिया? एट लगा दिया, जबकि
कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ कोबाल्ट ही लिखा जाता है। तो ये कंपेरिजन भी आपको बता दो, कोबाल्टेट यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो ये निकालना मैं आपको नीचे सिखा रहा हूँ। देखिए मुझे कोबाल्ट का निकालना है तो इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। तो के का होता है प्लस वन, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस थ्री, क्योंकि थ्री एटम है इसके। फिर CO का मुझे निकालना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस एक्स, ठीक है। अब ये कितना है, माइनस वन है, तो फिर प्लस लगाइए, ब्रैकेट में लिखिए माइनस सिक्स, और नाइट्रोसिल का तो जीरो है ही, और टोटल इक्वल क्या लिखेंगे आप, जीरो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए इसको निकालना है हमें, तो एक्स इजिकल टू क्या आएगा, ये माइनस सिक्स हो जाएंगे प्लस सिक्स, और ये प्लस थ्री हो जाएगा माइनस थ्री। तो आंसर हमारा बताओ क्या आएगा, प्लस थ्री आएगा। इसको रोमन में यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं, ये देखिए ये निकल आया, पोटेशियम हेक्साइनाइडो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट। यहाँ पर नई बात क्या आ गई, देखिए ये नई बात आ गई, एट जोड़ दिया इसमें मैंने, ये नई बात है, ठीक है। और लास्ट में थ्री, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आपको दूसरा एग्जांपल, इसमें देखिए पॉजिटिव काउंटर आयन है ही नहीं, तो यहां पर पॉजिटिव काउंटर आयन का नाम अपन नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट कर देंगे नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेट ऑर्डर में। तो देखिए यहां पर कितने हैं, ये H2O है, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, Cl2 है, ये माइनस वन चार्ज है, निगेटिव लिगेंड है, CO3 है, निगेटिव लिगेंड है, इस पर माइनस टू चार्ज होता है जी। देखिए अब इनके नाम हमें पता होना चाहिए और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दो। तो देखिए इसको बोलेंगे क्लोराइडो, CRI है, इसको बोलेंगे कार्बोनेटो, CAR, ठीक है, और ये CHLO क्लोराइडो, CHRI है, और इसमें CAR, तो कार्बोनेटो हम पहले लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, और इससे भी पहले क्या आ रहा है, एक्वा, तो ए आ रहा है, तो ए को पहले लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है, ये थ्री है तो लिखो ट्राई एक्वा, AQUA, एक्वा। अब आता है कार्बोनेटो, एक ही है कार्बोनेटो, निगेटिव लिगेंड के लास्ट में ओ जरूर आता है, ये ध्यान रखना, कार्बोनेटो। उसके बाद Cl2 हैं तो क्या लिखेंगे, डाई CHLORIDO, डाई क्लोराइडो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब इसका नाम आएगा, कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे, कोवाल्टेट। देखिए इसमें लास्ट में एट आ गया सफिक्स, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर बता रहा हूँ, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है, प्लस H2O जीरो छोड़ दीजिए, Cl2 पर कितना है माइनस टू, प्लस इस पर माइनस टू चार्ज होता है, तो माइनस टू, ये भी हो गया, और यहाँ पर टोटल आंसर इस पर ऊपर माइनस लिखा है, तो यहाँ पर आपको माइनस वन लिखना पड़ेगा, ये इसके लिए नई बात है। तो अब आप क्या करेंगे, x अगर मुझे निकालना है तो देखिए x इधर चला जाएगा, ये कितना हो रहा है टोटल, माइनस फोर हो रहा है, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस फोर और माइनस वन, देख लीजिए प्लस फोर और माइनस वन, टोटल आंसर कितना आएगा, x इजिकल टू प्लस थ्री। तो यहाँ पर कोबाल्ट को मैं लिखूँगा प्लस थ्री, लेकिन यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है, ऊपर वाले में चार्ज नहीं लगा था, तो इसलिए आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा आयन, ये आप विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आयन लिखना थ्री के बाद कंपलसरी है, ये जब ही लिखा जाएगा जब यहाँ पर कोई चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव के लिए अलग बनाएंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लिखेंगे, लेकिन कोई चार्ज आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अपने मन से नहीं सोचना है। तो ये हुआ हमारा ट्राई एक्वा कार्बोनेटो डाइक्लोराइडो कोबाल्टेट थ्री आयन, इस तरीके से नाम लिखना है। नीचे वाले एग्जाम्पल से फिर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर है
पॉजिटिव काउंटर आयन। तो पॉजिटिव काउंटर आयन का नाम क्या है? अमोनियम है। तो पहले मैं लिखूंगा ये थ्री लिखा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है किसी भी काउंटर आयन के लिए, चाहे पॉजिटिव काउंटर आयन हो चाहे निगेटिव काउंटर आयन हो, जो कि इसके बाहर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, केवल अमोनियम, बस अमोनियम लिखेंगे। उसके बाद ये है लिगेंड, तो लिगेंड का नाम क्या है और कैसा लिगेंड है ये? माइनस वन चार्ज वाला निगेटिव लिगेंड है, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। ठीक है, सी एन ओ होता है वैसे साइनेटो और एस लगाया तो थायोसाइनेटो, तो यहां पर लिख दो सिक्स है तो हेक्सा हेक्सा थायो साइनेटो ये हो गया, अमोनियम हेक्सा थायो साइनेटो। और अब इसको लिखेंगे क्रोमियम को, तो क्रोमियम के नाम के एंड में क्या लगा देंगे, एट लग जाएगा तो ये हो जाएगा क्रोमेट। तो यहां पर लिखेंगे सी एच आर ओ क्रोमेट, एट लग गया। बस ये नाम आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि किसमें एट लगाना है। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा क्रोमेट। अब आपको यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, चार्ज आयन नहीं लिखना है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, अमोनियम पर जो चार्ज होता है वो प्लस वन है। ठीक है, ये भी जरूरी है, जैसे पोटेशियम में भी तो था यहाँ पर प्लस वन था, यहाँ भी प्लस वन है। तो इसको लिखो, यहाँ लिख देते हैं प्लस थ्री, ये निकालना बता रहा हूँ, प्लस थ्री प्लस एक्स, इसको सी आर को, इसको माइनस वन चार्ज है तो प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। देख लीजिए, तो x कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू ये माइनस सिक्स है तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स, और ये प्लस थ्री है ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो आंसर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस थ्री। यहाँ पर थ्री को रोमन में लिख देते हैं, जो हर बार लिखते हैं, ये आपका कंप्लीट नेम है। ये थ्री एग्जाम्पल आपको हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा, बस वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मैं कल आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो कृपया प्लीज आप पिछले सारे वीडियो को क्रम से देख लीजिए, इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें मैंने जो एट वर्ड लगाया, जो लैटिन नाम होते हैं, कुछ लैटिन नाम आप याद कर लीजिए, इन्हीं की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नाम मैं आपको यहां पर बना रहा हूं, ये लिख लीजिए आप इसको, कुछ नाम है जिनके लैटिन वर्ड हैं तो उनको कैसे करके ऐड करके लिखा जाएगा। ठीक है, एक तो होता है, इसको मैं हटा देता हूं ये रूल्स को, देखिए ये कुछ नाम याद कर लीजिए आप, मेटल और यहां पर नेम, ये वाले नेम ध्यान रखना केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में यूज करना है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सिंपल नेम ही लिखा जाता है। तो देखिए कुछ नाम है जो आपको जरूरत पड़ेगी, ये नाम है, नंबर वन है कॉपर सी यू, इसको आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्यूप्रेट, ये इसका लैटिन नाम है, ऐड करके लिख के बताया आपको क्यूप्रेट, ये वर्ड आपको इनमें यूज करना है। कॉपर को क्या लिखना है, क्यूप्रेट। अच्छा, सिल्वर को देखिए, सिल्वर को क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, ये नाम याद कर लो। गोल्ड को देख लीजिए, एयू, तो इसको लिखा जाएगा ऑरेट। मरकरी को देखिए क्या लिखा जाएगा, मर्क्यूरेट। निकल को क्या लिखा जाएगा, निकलेट, निकलेट। पीबी को क्या लिखा जाएगा, प्लम्बेट। आयरन को क्या लिखेंगे, फेरेट। ये देखिए कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी निकल पीबी आयरन, इनमें कुछ नामों में चेंजिंग है इसलिए मैंने ये बताए हैं, और नामों में चेंजिंग नहीं है, आप डायरेक्ट उनको याद
कर सकते हैं, जो नाम होगा उन्हीं नाम में बस एट जोड़ दीजिएगा। जैसे क्रोमियम का बताया था, क्रोमेट लिख दिया। तो ये आपके कुछ लैटिन नाम हैं और उनको इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि केवल IUPAC नियमों में ही यूज होंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसे तैयार करने के बाद कई बच्चों का ये कहना था कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, और प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो देखिए, क्योंकि मैं क्रम से ही डालता हूँ, बीच बीच में से नहीं डालूँगा। तो हर क्रम से जब आप देखते जाएंगे तो टॉपिक की कोई प्रॉब्लम आपकी रहेगी ही नहीं, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस वाले टॉपिक की प्लेलिस्ट का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो ये प्लेलिस्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपकी NCERT की बुक में जो नाम होता है 12th की बुक में, वही नाम की मैं प्लेलिस्ट बनाता हूं। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप सर्च कीजिए और लेक्चर बन यानी L1 से लेकर के L12 तक के सारे वीडियो देख डालिएगा, और आगे क्रम से वीडियो को देखते रहना, टॉपिक में आपका कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप किसी क्लासरूम में भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा अगर आप मन लगा करके रोज मेरा वीडियो देख रहे हैं। ये मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे इस समय 12th क्लास में एंटर किए हैं और उन्हें नीट और JEE की तैयारी करना है। तो आप मेरा कॉन्सेप्ट सीखते जाइएगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिया भर के आप तमाम वीडियो जब देखेंगे तो आपको ये विशेष प्रॉब्लम दिखेगी कि बीच बीच में से मेन चीज़ें डाल देते हैं, उससे आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आएगी। मैं जो भी टॉपिक अब डालूंगा वो क्रम से डाल रहा हूँ, आप लोगों की ही मांग पर जो भी टॉपिक डालूंगा क्रम से और पूरा टॉपिक डालूंगा। आप उसे समझते जाइए और अपनी समस्याओं को मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताइए, व्हाट्सएप पर मत बताइए बार बार, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर सारे व्हाट्सएप के चेक नहीं कर पाऊँगा, इसलिए केवल कमेंट बॉक्स में लिखिए। संभव होगा तो मैं उसका जल्दी से जल्दी आपको जवाब दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।